विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ संस्कृत विषय धोरण 9 विषय संस्कृत गद्य पाठ्यक्रम परम विमानम अरे आने गुजराती व्याकरण संस्कृत से श्रेष्ठ खजा परम विमानम से श्रेष्ठ खजा अरे आप पाठ में जोई जो सर्वप्रथम परम विधानम राजा भोज पर आधारित आगत के पाठ थोड़ा कार्य विषय जानकारी प्राप्त करिए। ईस्वी सन 11वीं सदी में माधव प्रदेश ये हाल में मध्य प्रदेश तरीके अपने जानिए थे इतने माधव प्रदेश राजा भोज थे माधव प्रदेश में कौन थे गया थे राजा भोज धारा नगरी में रहने राजा भोजे धारा नगरी में रहने राजा भोजे ते समय जेनी कीर्ति प्राप्त करी थी कीर्ति ये प्राप्त करी थी तेरी आज पर से एनी सुंदर राज्य व्यवस्था जटिल प्रसंगों में पण न्याय आपवानी कुशलता तथा विद्वानी ने गुणवत्ता नी परख विदेश नी केंद्रीय रमणीय कथाओ आजे लोक में प्रचलित छे। आवी कथाओं संस्कृत में रचायेलु एक संग्रह जे भोज प्रबंध ना नामे जानितो छे आमा राजा भोज ने केंद्र में राखी ने अनेक घटनाओ बनवामा आवी छे जेमा काव्यात्मक चमत्कृतियों धरावता अनेक पत्रोनो समावेश थाय छे। आ पाठमा आपने परम विधान पाठमा जे राजा भोज अने युवान पंडित वच्चे ये वार्तालाप छे ए वार्तालाप आपने जोई जो कई ते राजा भोज अने ये युवक एकदम युवान छे ए पंडित वच्चे वार्तालाप जो दरेक विद्यार्थी छोकरी जो नोटबुक पर साथी राखो प्रश्नो लखवा माटे भोजा नाम निरूपि विद्या कलाप्रिय प्रजाप्रियश्च आसीत् भोज नामना राजा विद्या प्रिय सरस्वती मास का मोटा विद्वान थे राजा भोज एक अद्वितीय अलौकिक विद्वान थे। राजा भोज अने राजा भोज ने पत्नी पर विदुषी थे परम जानकार थे अने कला जे प्रिय छे प्रजा प्रियश्च आसीता अने प्रजाओ ने प्रिय एवा राजा केवा राजा आपो कला विद्या प्रेमी कला प्रिय अने प्रजा प्रिय राजा हतो। अतः तस्य राजसभायां दूर देशा अनेक विद्या विशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म। आदि राजा तस्य राजसभाया राजा ने सभामा राजा नाम सभामा अनेकानेक देश की दूर देश की अनेक विद्या विशारदा एते सरस्वती नाम उपासक के पंडितों से ए आवता ए पंडितो आपका क्या राज्यसभा में कौन ही राज्यसभा में तो राजा भोज ने राज्यसभा में अनेक अनेक देशों की पंडितों आपका दरेक पंडितों ने मान सम्मान राजा भोजे आपका एक राजा भोज प्रसादस्य गवाचे उपविष्ट आसीत् एक
राजा भोज प्रसाद के महल ने झरुखा मा महल ना झरुखा मा बैठे लो हतो बैठे लो ये समय मा सब मार के एका नवागंत कम अनविद्या युवका पश्चति ये समय मा सुजो के मार्ग मा मार्ग मा रास्ता मा एक नवा गंतुक जे एक से नवा चेहरा से नवा आगंतुक से अने आवना के चे तेरा राज्य मा जे प्रवेश करे छे मार्ग मा अन संपूर्ण के अनभिज्ञ छे पण ए छे के बा युवक छे युवक ने जोए कौन राजा तस परिचितम ज्ञात्वा स स ते प्रसाद पार्वती एने परिचय जानवा माटे ते तेने महल मा बुलावे छे ततस्तयो मध्य एवं वार्तालाप संजाता ते बेना बच्चे आ प्रकारे जे आपे नीचे कहीशु आ प्रकारे वार्तालाप बातचीत सो तो ज्यारे युवक ने मारवा बुलाया राजा पासे युवक आवे छे त्यारे युवक साथे अने राजा ने बच्चे की वार्तालाप छे ए वार्तालाप आपने जोईशु भोजा भगवान कहवा छे भोज प्रश्न करे छे जे आप कौन छो भगवान कहवा छे कौन छो तो युवक ने अहम घट पंडित भोजा घट पंडित किम नाम घट पंडित आ घट पंडित शू छे अवे घट पंडित कहे के त्यारे राजा भोज कहे के घट पंडित एटले शू तो युवक कहे छे यथा घटे परिपूर्ण जन्म की स्थिति तथैव मई परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते जेम धरामा छलो छल पानी होय छे तेवी रीते मारा मा पूरे पूरु ज्ञान छे अतः अहम स्वात्मानम घट पंडिता मन्यते एटले हूँ मारा जात ने घट पंडित मानु छू कहे छे जो हूँ घट पंडित मानु छू सावन कई रीते जे रीते घरा मा छलो छल पानी होय छे ए रीते मारा मा ज्ञान छे એટલે હું ઘટ પંડિત માનુ યુકસ્ય ગર્વપૂર્ણ ઉપીસ્વા સ્વાત્માનં તતો પ્યત્કમ મત્વા અહંકાર સ હવે યુવકને ગર્વપૂર્ણ વાણી સાંભળીને એ વાણીમાં તો અહંકાર દેખાય છે પોતાનું જાતને તેનાથી પણ ચડિયાતી માનીને અહંકાર સાથે અહંકાર છે तो राजा कहते भोजा यदि तुम घट घट असी तरी अहम गर्वे न वर्तते यदि तमें घट 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 जो खड़ा ने जेम छो तो हूँ मुदगर्वे न मुदगर ने जेम तुम्हारा साथ व्यवहार करी वर्ती खड़ा ने ना मुदगर की घराने नाश कर दी गई थी बिना सकी अहम अपि घट रूपम भवंता विनाशाता आमि हूँ तमारो विनाश कर दी गई थी मुदगर एटले लाकड़ानो ठोका हथौड़ा जे थी घराने नाश करवामां आवे तो अहींनो युक्ता यदि भगवान मुदगर के न उपस्थित तरी अहम अग्नि युवक तो सुंदर शब्दमा कहते तमे मुदगर यदि भगवान मुदगर तो न वर्तिस तमे मुदगर की जे वर्तो तरी अहम अग्नि भवामि तो हूँ अग्नि बनी थी बनु तमे मुदगर ने जे मुदगर बन तो हूँ अग्नि भवामि आ दहन करवा अग्नि उत्तम अग्रम भस्म करी सामी अब दान करवा परमाणु का
માનીને તમને હસમી ભૂત કરી તઈ છું હસમી ભૂત કરી રાખી છું આ રીતે બેન વચ્ચે વાર્તાલાપ છે વાતચીત છે રાજા અમોલ અને યુવક જે ઘટ પંડિત છે એને વચ્ચે જે વાર્તાલાપ બહુ સુંદર વાર્તાલાપ છે જે જાણવા